थी, लेकिन आज सीबीआई, आरएसएस और भाजपा का लंगोटा बन गई है, ये मैं कह सकता हूँ। अब शहाबुद्दीन साहब के बाद उस परिवार को कोई वेटेज नहीं मिल रहा है, या उस परिवार को हाशिए पे कोई साजिश के तहत ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के मुसलमान थोड़ी हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के वोटर थोड़ी हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस ये धर्म का आवरण ओढ़ा के धर्म की आड़ में ये लोग सियासत कर रहे हैं। जिस दिन धर्म का चश्मा उतरेगा, इनकी जगह जेल में होगी। इससे मैं इनकार करता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज जो बिहार प्रदेश में 16% स्ट्रेंथ रखता हो वो मजबूर हो। मजबूर अल्पसंख्यक समाज नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के कुछ स्वार्थी अल्पसंख्यक नेता हैं। माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान। बिहार की राजनीति जो है प्रतिदिन रुख बदलते रहता है और नए नए मामले आते रहते हैं। कुछ दिन पहले सोनू खूब चला था, उसके बाद इस बार लालू आवास पे लगातार जिस तरीके से सीबीआई के छापे पड़े, अभी वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। उसके बाद सिवान के सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हीना साहब को राज्यसभा भेजने को लेकर कई सारे बातें चल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जावेद अली जी हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बात होगी खास तौर पे। तो सबसे पहले बीएनपी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूवर हैं उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। अच्छा, जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति है प्रतिदिन देखा जाता है कि रुख बदलते रहता है, अभी काफ़ी विवादों में आ चुके हैं लालू यादव, वो रेल मंत्री रहे थे उस समय, कोई घोटाला था उसी को लेकर उनके कई आवास पे लगातार सीबीआई के छापे पड़े, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का कोई भी प्रदेश हो, जहाँ अवसर की राजनीति होगी, जहाँ स्वार्थ की राजनीति होगी, वहाँ ऐसे ही घटनाक्रम बदलेंगे, ऐसे ही उथल पुथल मची रहेगी। तो ये यहाँ पे स्वार्थी तत्वों का अवसरवाद की राजनीति चल रही है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। रही बात आपने जो कहा सीबीआई का रेड लालू जी के यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि एक दौर था 2014 से पहले, जब भाजपा कांग्रेस को कहा करती थी कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है, तो अगर सीबीआई कांग्रेस का तोता है, लेकिन मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि उस वक्त सीबीआई कांग्रेस की तोता तो थी नहीं, लेकिन आज सीबीआई आरएसएस और भाजपा का लंगोटा बन गई है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में उस टाइम बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर देखा गया था सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, क्या अब यही, अब जो बीजेपी है अब कांग्रेस और जदयू के लोगों के घरों पे छापेमारी कर रही है, मतलब वही नतीजा है क्या उसी का? अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। विनोद राय जो सीएजी थे, उन्होंने लीक किया 2G स्पेक्ट्रम के मामले में, FIR हुआ, तो उस वक्त तो सरकार कांग्रेस की थी। फिर कांग्रेस के जो भी घटक दल थे, जिनके नेता इसमें तथाकथित शामिल के आधार पे जिन पे केस किया गया था, तो उस वक्त तो कहीं से भी सीबीआई तोता नहीं बन पाई, सबकी अरेस्टिंग हुई, सारे लोग, लगभग लोग जेल में रहे, और ट्रायल के बाद वो टाई फिस हो गया घोटाला, और विनोद राय को उसी मामले में हमारे कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय निरुपम जी, रिटेन में सावरकर के तरह माफ़ी मांगनी पड़ी अभी 4-5 महीने पहले पूर्व में। तो ये सब, ये ढोंगी लोग हैं, एक गुमराह करते हैं ये लोगों। और आपको पता है,
कि किसी भी मुल्क में, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब एक साथ थे आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद। मैं जब पढ़ता हूँ यहाँ के इतिहास के पन्ने को टटोलता हूँ और यहाँ के राजनीतिक इतिहास को पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे इमरान खान पाकिस्तान के, जब उनकी सत्ता जाने लगी तो वो इस्लामिक और शरिया की बातें स्टेज से कहने लगे, वैसे ही नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस ये धर्म का आवरण ओढ़ा के धर्म की आड़ में ये लोग सियासत कर रहे हैं। जिस दिन धर्म का चश्मा उतरेगा इनकी जगह जेल में होगी। अच्छा, जब ये बात आप कह रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस जो है 70 सालों में सिर्फ देश को लूटा है। अगर देश को लूटा है कांग्रेस ने, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि मैं ये जानता हूँ कि भारत में सुई नहीं बनता था, आज यहाँ पे फाइटर जेट बनते हैं। तो आप मुझको बताइए कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो धड़ाधड़ मोदी जी अपने 3 उद्योगपति मित्रों को सारी फैक्ट्रीज बेच कैसे रहे हैं, इंडस्ट्री बेच कैसे रहे हैं। इट मींस कि कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने तरक्की की है और इसी को आज बेच रहे हैं औने पौने। अच्छा, फिर हम लोग आ रहे हैं सीबीआई छापे पे। अभी जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया कि घर के भेदी लंका ढाए, उनका किस तरफ इशारा था? जीतन राम मांझी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उन पे उमर हावी है, जो मर्जी करता है वो बोलते हैं और फिर वहाँ से बैक हो लेते हैं, तो उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। उस पर क्या कमेंट किया जाए कि क्या होगा। वो मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वोट बैंक के तौर पे सिर्फ यूज़ किया जाता है, और उनके पास क्या मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या सिर्फ आरजेडी के अलावा, जिस तरीके से अभी जो दौर चल रहा है और ख़ास तौर पर सिवान के जो सांसद, पूर्व सांसद जो रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो पूरे बिहार के चुनाव और पूरे बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, इस बात को आप मानते हैं? ये पहले बता, देख पहले बात को समझिए, आप जवान हैं, युवा हैं जी। वोटर्स की कोई मजबूरी नहीं होती है, जो वोटर होते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है। तो फिर सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की कोई मजबूरी नहीं है, मजबूर समाज नहीं है। इससे मैं इनकार करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जो बिहार प्रदेश में 16% स्ट्रेंथ रखता हो वो मजबूर हो, मजबूर अल्पसंख्यक समाज नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के कुछ स्वार्थी अल्पसंख्यक नेता हैं जो विधायक, सांसद और राज्यसभा और विधान परिषद में जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। रॉयल पूरी कम्युनिटी को आप कहिएगा तो मैं कतई इस बात को नहीं मानूंगा। अच्छा। कि बिहार के मुसलमान किसी भी तरह से मजबूर हैं, नहीं। अच्छा, राज्यसभा भेजने की बात जो चल रही हिना साहब की, क्या लग रही है, जा पाएंगी वो राज्यसभा? ये तो आरजेडी का अंदरूनी मामला है। आपको क्या लग रहा है? अब उस परिवार से, जो परिवार आज तक बाहर के किसी लोगों को उतना कुछ दिया नहीं, सिर्फ लोगों से लिया है, चाहे वो पैसा हो, समर्थन हो, वैसे लोगों से और उस परिवार से अगर लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं तो वो जाने, वो तो मुंगेरी लाल का सपना ही रह जाएगा ऐसा लगता है। तो फिर किस पे लोग उम्मीद करें? उम्मीद करना मान लिया, सपोज कीजिए माइनॉरिटी के लोग यहाँ के सिवान जिला के, अब मैं खोल देता हूँ आपको, आप घुमा रहे हैं, मैं घुमा के बात नहीं करता हूँ, मैं सीधी बात आप जो उस वक्त से कह रहे हैं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मास लेवल पे जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वो अपना नेता शहाबुद्दीन साहब को मानते थे जी। ये सच्चाई आज भी मानते हैं? ये सच्चाई है, आज कितना परसेंट मानते हैं नहीं मानते हैं इसको किनारे कीजिए, ये सच्चाई है। अब शहाबुद्दीन साहब के बाद उस परिवार को कोई वेटेज नहीं मिल रहा है, या उस परिवार को हाशिए पे कोई साजिश के तहत ले जाने की कोशिश कर रहा है,
तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के मुसलमान थोड़ी हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के वोटर थोड़ी हैं, कहीं ना कहीं उस परिवार की कमजोरी है जो एक मजबूत डिसीजन लेने में अपने आप को सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर वो सक्षम हैं, वो परिवार, जनसमर्थन तो है, सक्षम कितना है अब तक नहीं पता चला। अगर सक्षम होते वो लोग, जन आकांक्षाओं पे उतरने की कोशिश करते, तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अब तक तो ईंट का ईंट बच जाता है आरजेडी का पटना में। तो ये इन लोगों का अंदरूनी मामला है, ठीक है, तो इस पर हम लोग तो कोई खास मतलब है नहीं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज की आप बात करेंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे समाज से प्रतिनिधित्व मिले, मेरे समाज के लोग राज्यसभा जाएं, मेरे समाज के लोग मिनिस्टर बने, मेरे समाज के लोग चीफ मिनिस्टर बने। मुझे तो नहीं लगता, अगर 6 चीफ मिनिस्टर भी बने हैं पूर्व में तो कांग्रेस के शासनकाल में ही देश में बने हैं, चाहे वो आसाम हो, इवन कि राजस्थान हो, जहाँ सबसे लो लेवल की डेंसिटी है हमारी, स्ट्रेंथ है, वहाँ पर हिदायतुल्लाह खान साहब की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहूँगा कि राजनीति खामोशी की चीज़ नहीं है, खामोशी से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में कुछ करना है तो निश्चित तौर पे गंभीर रहिए, लेकिन ज़रूरत पे बोलिए।